आर्यन खान को अंदर से आप देख सकते हैं कि टाटा सफारी सबसे आगे, रेंज रोवर गाड़ी लगी हुई है, उसके पीछे मर्सिडीज गाड़ी लगी हुई है। तो ये तीन गाड़ियां हैं जो एक साथ निकलेंगी। ये जो आप मेन गेट देख रहे हैं, कैमरे के अंदर जो देख रहे हैं, यहीं इसी गेट से आर्यन खान को निकाला जाएगा और वो सीधे सबसे पहली जो गाड़ी है उसी रेंज रोवर के अंदर बैठा होगा। हालांकि शाहरुख खान की गाड़ियां मेन गेट के आगे लग गई है क्या गाड़ियां? बिल्कुल राजीव, ये तीन गाड़ियां हैं जो बिल्कुल मेन गेट के सामने लग गई हैं। सबसे आगे जो गाड़ी लगी है वो रेंज रोवर है, उसके बाद ग्रे कलर की टाटा जो दो गाड़ियां मैं आपको सबसे थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, और सबसे आगे वही वाली गाड़ी है, शाहरुख खान की गाड़ी है। और ये देखिए आर्यन खान निकल रहे हैं, आर्यन खान निकल के वो रेंज रोवर गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं। राजीव, वो निकल करके गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं और आर्यन खान निकल चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है राजीव, कि आर्यन खान जो है वो निकल गए हैं, गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। और ये तीनों गाड़ियां जो आप देख सकते हैं, सबसे आगे रेंज रोवर शाहरुख खान की थी, उसके बाद टाटा सफारी, और ये जो तीसरी गाड़ी है मर्सिडीज। इन तीनों गाड़ियों में ये पूरा कॉन्वॉय जो है वो निकल चुका है, शाहरुख खान का जो था आर्यन खान को लेकर के निकल चुका है। तो ये तीन गाड़ियां हैं जो आर्यन खान को लेने के लिए आई थी, और इसी की मैं बात कर रहा था। ट्रैफिक रोका गया और आप यहां से शाहरुख खान आर्यन खान को लेकर के निकल चुके हैं। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं है कि उस गाड़ी के अंदर शाहरुख खान बैठे थे या नहीं बैठे थे, क्योंकि रेंज रोवर जो गाड़ी है उसकी पिछली सीट को पूरी तरह से कवर कर दिया गया था, कोई भी उसके अंदर नहीं देख सकता था। लेकिन जब हमने उस गाड़ी को अंदर झांका था और हमने बात करने की कोशिश की थी, तब शाहरुख खान उसके अंदर नजर आए थे। लेकिन उसके बाद वो अब है कि नहीं है, इस बात को साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया था कि शाहरुख खान की गाड़ी सबसे पहले वहां पर लगी, गेट के सामने लगी, ट्रैफिक को रोका गया और उसके बाद आर्यन खान को उसमें तुरंत बैठाया। रवि, जो कि शाहरुख खान का बॉडीगार्ड है, वो सबसे पहले यहां पर आया था सारे हालातों को देखने के लिए, ट्रैफिक को, ताकि स्मूथ हो जाए, उसके बाद कब निकालना है। और जैसे ही इशारा हुआ कि अब गाड़ी लेकर के आगे आया जाए, ट्रैफिक कांस्टेबल जो मुंबई पुलिस का ट्रैफिक कांस्टेबल है, वो रोड को क्लियर कराता हुआ तीनों गाड़ियों को यहाँ पर लेकर के आया। मेन गाड़ी गेट के आगे गाड़ियाँ रोकी गई है, सबसे आगे रेंज रोवर थी जिसके अंदर शाहरुख खान थे, और उसी गाड़ी के अंदर आर्यन खान को बैठा करके तुरंत ये तीनों गाड़ियाँ जो है उनको यहाँ से निकाल दिया गया, ठीक इसीलिए ताकि किसी तरह से यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। मुश्किल से मुश्किल आधे मिनट का समय लगा होगा राजीव, जैसे ही गाड़ी यहाँ पर रुकी है उसके बाद आर्यन खान को गेट से निकाला गया, तुरंत गाड़ी के अंदर बैठाया गया और गाड़ी को, जो तीन गाड़ियाँ थी, उन तीनों गाड़ियों को निकाल दिया गया। यही प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी, और इसी बात के मैं बारे में आपको बता रहा था कि आर्यन खान की फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो चुकी है, 10:30 बजे उनको निकल जाना था, लेकिन देरी इसलिए हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक काफ़ी हैवी था, उसको रोकना था, और उसके बाद रोकने के बाद जो ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक है उसको निकाल करके एकदम से गाड़ी लेकर के आई जाएगी और उसमें आर्यन खान को बैठा करके तुरंत निकाल दिया जाएगा। जी बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। आर्यन खान निकल गए हैं, जमानत पर रिहा हो गए हैं, ब्लू जैकेट व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई आर्यन खान, मास्क लगाए हुए आर्यन खान आप तस्वीरों में देख रहे हैं जब वो रेंज रोवर गाड़ी में बैठे, और अब ये गाड़ियां रवाना हो गई हैं मन्नत के लिए। बड़ी खबर, और मन्नत पर भी हमारी निगाहें, मन्नत में किस तरह से स्वागत होता है, वहां पर क्या होता है, हमारी वहां पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन बड़ी खबर निकल गए हैं जितेंद्र, कितना वक्त लगेगा लगभग, अभी के मौजूदा एक पीक आ रहा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कितना वक्त लग सकता है यहां से मन्नत पहुंचने में? देखिए आज शनिवार का दिन है, ट्रैफिक हालांकि थोड़ा सा बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा कम होने की उम्मीद है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, बाकी दिन काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर तेज़ी से भी जाया जाएगा जो उनके घर पे है, तो करीब 45 मिनट से लेकर के एक घंटा ये समय वहाँ पर जाकर लग सकता है। लेकिन अगर मैं सवेरे की बात करूँ तो सवेरे 8 बजे के करीब मन्नत से शाहरुख खान अपने बॉडीगार्ड और बाकी स्टाफ के साथ निकले थे, तो यहाँ पर मान के चलिए कि 8:30 बजे वो पहुँच गए थे, यानी उनको यहाँ पर आने में आधा घंटा लगा था। लेकिन अगर मैं रोड्स की बात करूँ और मुंबई के ट्रैफिक की बात करूँ, तो काफ़ी सारे ट्रैफिक ऐसे हैं जो कि वन वे होते हैं और रास्ता कई बार लंबा हो जाता है, तो इस हिसाब से मान के चल सकते हैं राजीव कि 45 मिनट से लेकर के एक घंटे का वक्त जो है वो पहुँचने में लगेगा। लेकिन अगर ट्रैफिक क्लियर मिल जाता है तो हो सकता है कि पहले भी शाहरुख खान पहुँच जाए, लेकिन ये बात तय है कि 45 मिनट से एक घंटे के बीच में शाहरुख खान मन्नत आर्यन खान को लेकर के वापस पहुंचेंगे। और जिस बात का इंतज़ार किया जा रहा था, निश्चित तौर पर ये इंतज़ार था कि कल ही आर्यन खान वापस अपने घर आ जाएंगे, लेकिन
जो टेक्निकल कमियां थी जो सेशन कोर्ट पे देरी हुई उस वजह से कल शाहरुख खान आर्यन खान को नहीं ले जा पाए। ये हमने देखा कि किस तरह से शाहरुख खान सेशन कोर्ट के बाहर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने का इंतजार कर रहे थे, किसी तरह की कोई कमी ना रहे। उम्मीद यही की जा रही थी शाहरुख खान की तरफ से और बाकी सबको भी ये उम्मीद थी कि कल ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी और कल ही आर्यन खान घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, उसके बाद जो बिल्कुल सवेरे थोड़ी देर भले होगी लेकिन आखिरकार रिहा हो गए हैं जमानत पर। आर्यन खान सशर्त जमानत पर रिहा हुए हैं 27 दिनों के बाद आथर रोड जेल से रिहा हुए हैं। अपने पिता शाहरुख खान की गाड़ी रेंज रोवर गाड़ी में बैठकर मन्नत के लिए रवाना हुए हैं आर्यन खान।